हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड, अपनी एनसीईआरटी बुक को अपने पास रखें ताकि क्वेश्चन की रीडिंग हम आसानी से कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। ठीक है, जो पत्तियाँ हैं 40 पत्तियों का मैंने यहाँ पर डाटा कलेक्ट किया है, जिसमें ये बताया गया है कि उनकी जो इंक्रीमेंट है वो कितनी कितने की हुई है। ठीक है, एंड उनका मेजरमेंट कितने का है, एंड द डाटा ऑब्टेन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलो टेबल। ठीक है, ऐसी पत्तियाँ जिनकी लेंथ 118 से लेके 126 सेंटीमीटर तक हैं, ऐसी तीन पत्तियाँ हैं। ऐसे 127 से 135 तक वाली 5 लीव्स हैं। इस तरीके से पूरा डाटा में दे रखा है और बोला गया फाइंड द मीडियन ऑफ द लेंथ ऑफ लीव्स, यानी इनकी मीडियन निकालनी है। ठीक है, तो फ्रेंड मीडियन निकालने के लिए हमारी जो सीरीज़ है वो कॉन्टीन्यूस होना ज़रूरी है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सतत श्रृंखला। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है कि मेरा जो ये नंबर है और ये नंबर है दोनों का सेम होना ज़रूरी है। ठीक है, जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर यहाँ होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरा ऐसा नहीं हो रहा। हमने जितने भी पीछे के क्वेश्चन किए, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखो 10 है, यहाँ पर भी 10, 20 यहाँ पे भी 20, 30 यहाँ पे भी 30, 40 यहाँ पे 40। पीछे हमने जितने भी क्वेश्चन किए होंगे सबके अंदर ऐसा ही था। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1 85, 105, 105, 125, 125, सेम था, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे देखो ज़रा, दोनों में कितने का गैप है, 1 का, 126 से 127 एक नंबर ही तो बड़ा, 135 से 136 कितना नंबर बढ़ा, एक, यानी हर एक में एक एक नंबर का ही बढ़ोतरी हो रही है। तो एक का करेंगे हम हाफ, एक का हाफ करा कितना है 0.5। ठीक है, मान लो ये मेरी दो पॉकेट है, पॉकेट 1 एंड पॉकेट 2। इस वाली पॉकेट में मैं क्या करूँगा 0.05 निकाल लूँगा। ठीक है, और इस वाली पॉकेट में 0.5 ऐड कर दूँगा, यानी जितनी भी फर्स्ट वाली लाइन है इन सब में 0.5 माइनस करना है, इसमें से निकाल के इसमें डाल देना है ताकि हमारी जो सीरीज़ है वो कंटिन्यूस हो जाए। ठीक है फ्रेंड, तो हमें आगे वाली लाइन में 0.5 माइनस करना है, पीछे वाली में ऐड करना है। ठीक है, ताकि मेरा बैलेंस बना रहे और इससे मेरा कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता है, लेकिन मेरी जो सीरीज़ है वो कंटिन्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ज़रा, इसके मैं क्लास इंटरवल तैयार करता हूँ। इस पूरी लाइन में से 0.5 माइनस करना है, तो ये मेरा हो जाएगा 117.5, 126.5, 135.5। ठीक है, इसमें ऐड कर दिया 145.5, 154.5, सॉरी माइनस करना ना हमें, तो माइनस करेंगे तो 144 होगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 153.5, 162.5, इसका 171.5। ठीक है, इन सब में से 0.5 मैंने माइनस कर दिया। आगे वाली लाइन में हमें 0.5 ऐड करना है, यानी 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5, 180.5। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे फ्रेंड, तो इसके क्लास इंटरवल कंटिन्यूस हो चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे जो नंबर वही नंबर यहाँ है, यहाँ जो नंबर है वही नंबर यहाँ पे है, तो सेम सेम इसकी कंटिन्यूस सीरीज हो चुकी है। ठीक है, अब हमें दे रखा है एफ, कितना 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। इस एफ से बना लेंगे हम सी एफ, सी एफ यानी कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, संचयी बारंबारता। देखो 3 का 3, 3 में 5 को ऐड किया कितना आया 8, 8 में 9 को ऐड किया कितना है 17, 17 में 12 को ऐड किया 29, 29 में 5 को ऐड किया 34, 34 में 4 को ऐड किया 38, 38 में 2 को ऐड किया कितना आया 40। ये आ गया मेरा, ठीक है, सिग्मा एफ, इन सब का जोड़ 40 होगा। याद रखना फ्रेंड, इसका आखिरी का नंबर और इनका जोड़ हमेशा दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है इसका मीडियन अब। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n बाय टू, n बाय टू कितना दे रखा है हमें 40,
40 डिवाइड बाई 2 कितना है 20 आया मेरा। अब हमें ये देखना है जो 20 है वो CF में कहाँ पर आएगा, ठीक है। जैसे कि 0 से 3 तक के नंबर इसमें आते हैं, 8 में आएंगे, 3 से लेके 8 तक के नंबर इसमें आएंगे, ठीक है, 8 से लेके 17 तक नंबर इसमें आएंगे, यानी 8 9 10 जितने भी नंबर होंगे वो सारे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे 8 के बाद और 17 से पहले के, 17 से लेके 29 तक के नंबर इसमें आएंगे। तो जो मेरा 20 है वो आएगा किसमें, 29 में। तो इसमें मार्क कर लेता हूँ, ठीक। मार्क करने के बाद जो ये वाली लोअर लिमिट होती है ये मेरा होगा L 144.5, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है H वो कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं F की, F कितना मेरा 12। याद रखना फ्रेंड जो CF होगा वो होगा तिरछे वाला, तिरछे में कौन है 17, ये होगा मेरा CF, ठीक है। अब हम लगा देंगे सीधा इसका फॉर्मूला और वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है जिसको डिनोट किया जाता है M से, बराबर होगा L प्लस N बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। L की वैल्यू कितनी मेरी 144.5 प्लस N बाई 2 कितना मेरा 20 माइनस CF, CF की वैल्यू 17 इंटू H, H की वैल्यू 9 अपॉन में F, F कितना मेरा 12, ठीक है। 144.5 प्लस कट रही है तो काटो, 3 3 9 3 4 12 माइनस किया कितना आया 3, ऊपर 3 नीचे कितना 4, 144.5 3 3 9 अपॉन में 4, 144.5 9 में 4 का डिवाइड नहीं कितना आएगा 2.25। दोनों को ऐड कर दिया मैंने, पीछे कुछ नहीं, इसकी 0 मान लो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 146.75 mm, ठीक है। ये मेरा कौन होगा, मीडियन होगा इस डाटा का, ठीक है फ्रेंड। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।